नमस्कार शेतकरी बंधू भगिनींनो, मी नितीन पिसाळ, धेनुटेक सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या वतीने आपले सर्वांचे मी सहर्ष स्वागत करतो. आज शेतकरी व पशुपालक बांधवांसाठी धेनु ऍप मार्फत मोफत वेबिनारचे आयोजन केलेले आहे. आजच्या या वेबिनार मधून आपणास पशुसंवर्धन व वैद्यकीय सल्ला मार्गदर्शन उपलब्ध करून देत असताना खरंच खूप आनंद होत आहे. तत्पूर्वी मी सर्व शेतकरी पशुपालक बांधवांना एक विनंती करतो की आपण सर्वांनी धेनु इंडिया या आमच्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून सहकार्य करावे. सध्या आपण पाहतो की दूध संकलनापासून दूध विक्रीपर्यंत सगळी सिस्टीम ऑनलाईन पद्धतीने झाली आहे. त्याच अनुषंगाने पशुपालन व दुग्ध व्यवसायातही सॉफ्टवेअरचा वापर व्हावा व त्या आधारे आपला पशुपालन व्यवसाय शेतकरी बांधवांना ऑनलाईन पद्धतीने करता यावा या उद्देशाने धेनु ऍपने हे पाऊल उचलले आहे. शेतकरी व पशुपालक बांधवांसाठी धेनु ऍप ही खरंच काळाची गरज बनली आहे, कारण व्यवसायासाठी ज्याप्रमाणे पैसा महत्वाचा असतो त्याप्रमाणेच त्या व्यवसायातून पैसा कमवण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञानाची खूप गरज असते. आज धेनु ऍपच्या मदतीने महाराष्ट्रभरातील कित्येक शेतकरी जनावरांची खरेदी विक्री करतात, नवनवीन तंत्रज्ञानाची माहिती घेतात आणि आपल्या व्यवसायात बदल करून नफा देखील मिळवत आहेत. तरी आपण सर्वांनीही धेनु ऍपचा पुरेपूर वापर करावा व आपल्या दुग्ध व्यवसायात वाढ करावी, तसेच इतर पशुपालकांना देखील धेनु ऍपचे महत्व पटवून द्यावे. नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सगळे जमले का? बर, तर मी तुम्हाला सांगितलं होतं हे धेनु ॲप वापरायला अतिशय सोपं आहे म्हणून. ॲप उघडल्यावर जे समोर दिसतं ना तिथेच सगळं आहे. तरी पण काही शंका जर असतील तुम्हाला तर नक्की मला विचारा. आहो, त्यासाठीच तर आपण सगळे जमलो आहे ना. सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देऊन टाकतो तुम्हाला. इंग्रजी आहे समद समदा घोटाळा एक बी सबूत कळना. अहो नाना, सगळं करता येते. आधी बघा, तिथेच भाषा बदलता येते म्हणजे तुम्हाला आपोआपच कळेल काय कसं करायचं ते. अशी भाषा बदलत असती होय उगीच आपलं काहीतरी. तुम्हाला भाषा पण बदलता येते म्हणजे त्यात जे लिहिलंय ना ते समजायला तर हवं ना तुम्हाला. मी देतो तुम्हाला भाषा बदलून. बरं, अजून काही शंका आहे का? लगता त्या समजीत जमल्या ती. कसली सभा म्हणायची काय रसाच्या? अरे, ते धेनु ॲपचं बोललो होतो ना तुला. अरे एकदम बेस आहे बघ ते. मी घेतलंय आणि आमच्या सगळ्या मित्रांना पण घ्यायला सांगितलंय. ॲप कसलं, मित्रच आहे आपला, आपल्याला मदत करणारा. अगदी बरोबर, पण त्याच्याशी मैत्री करायला या लोकांना अडचणी आल्या. म्हटलं या एकत्र आपण सोडवू, नाही का? अरे लका, एक प्रकारची शाळाच आहे म्हणायची की ही. आता धेनु नाही का करत एवढी मदत? चला, नाहीतर उगच आपल्या इतरच गप्पा रांगायच्या. बरं, विलास काका, तुम्ही काय म्हणत होता? जनावरांच्या खरेदी विक्रीला कसा काय उपयोग आहे याचा? अहो, फारच उपयोग होणार आहे याचा. एकतर तुमच्या जनावरांची प्रोफाईल असणार यात, बरोबर? प्रोफाईल म्हणजे काय तर तुमच्या जनावराची सगळी माहिती, हे एक झालं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्यांना जनावर विकायचं आहे किंवा ज्यांना विकत घ्यायचं आहे त्यांची यादी मिळते तुम्हाला इथे. इथेच बाजार भरणार की काय? हा, तसंच काहीच. ती माहिती तुम्हाला मिळाली की तुम्ही त्यांना संपर्क साधायचा. झालं. अहो, सोपं आहे ते. त्यांचे नंबर पण असतात त्याच्यात. मागल्या आठवड्यात 2 शेळ्या घेतल्या ना राव मी. वा, एकच नंबर. हे बघा, जसं इथं भाषा कशी बदलायची हे समजतं तसंच तुमच्या जनावरांची माहिती, विकायला आलेली जनावरं, खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांची माहिती, इतर शेतकऱ्यांची माहिती सगळं दिसतं तुम्हाला. आणि मग तुम्हाला जे हवं ते तुम्ही करू शकता ना. तो आमचा नीरज म्हणत होता यात मोठमोठे लोक पण असतात मार्गदर्शन करायला. अहो नाना, तज्ज्ञ लोकांचं मार्गदर्शन मिळतंच आणि त्यांच्याशी कसा संपर्क साधायचा हे देखील तुम्हाला धेनु ॲपवर समजते. समजा इतर शेतकऱ्यांना काही माहिती तुम्हाला द्यायची असेल, शेअर करायची असेल, तर ती कशी करायची हे पण समजते. तुमची माहिती कशी भरायची आणि महत्त्वाचं म्हणजे तज्ज्ञांशी संपर्क कसा साधायचा याची पूर्ण माहिती तुम्हाला धेनु ॲपवर मिळते. म्हणजे जे जे तुम्हाला हवे ते मिळते. वा 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 वा, म्हणजे हे कल्पवृक्षच हाय मानायचं की काही म्हण सचिन, आमचं काम लय सोपं केलंस तू. आता काय बी शंका नाही बघ.
आता धेनू हाय तर काळजी नाही। धेनू ॲप बद्दल सांगायचं झालं तर धेनू ॲप हे शेतकरी तसेच पशुपालक बांधवांसाठी प्ले स्टोअर वरती मोफत उपलब्ध करून दिले आहे, त्याचा सर्व शेतकरी बांधवांनी लाभ घ्यावा। पंजाब म्हटलं की आठवतं ते म्हणजे तिथल्या लोकांचा पेहराव, मजबूत बांधा, धिपाण आणि उंच शरीर यष्टी। त्यांच्या दिवसाची सकाळ ही पोहे किंवा वडापाव तसेच भाजी भाकरी खाऊन होत नाही, तर त्यांची सकाळ होती ती म्हणजे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थाच्या सेवनाने। मग त्याच्यामध्ये दूध असेल, दही असेल, तूप असेल, लोणी असेल, यासारखे विविध पदार्थ ते आपल्या दररोजच्या सकाळच्या नाश्त्यासाठी ते सेवन करत असतात। पंजाब म्हटलं की अजून एक आठवतं ते म्हणजे तिथल्या लोकांची श्रीमंती। आता ही श्रीमंती शेतीवरच अवलंबून नाही, तर तिथले लोक शेतीला जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसाय हा मोठ्या प्रमाणावरती केला जातो। त्यांचा दुग्ध व्यवसाय हा असा तसा नसून त्यांचा दुग्ध व्यवसाय हा एक सध्या चर्चेचा विषय देखील बनला आहे। त्याच अनुषंगाने आजच्या चर्चा सत्रासाठी आपण पंजाबमधील पंजाबच्या व्यवसायातील एक प्रभावी व्यक्तिमत्व डॉक्टर इम्रान सर यांना आज आपण आमंत्रित केलेले आहे। सरांना 10 ते 12 वर्षांचा प्रदीर्घ या दुग्ध व्यवसाय क्षेत्रातला प्रदीर्घ अनुभव सुद्धा आहे। सर एका रॉयल ऑर्गॅनिक डेअरी फार्मवरती डेअरी मॅनेजर म्हणून देखील सध्या कार्यरत आहेत। याच अनुषंगाने पंजाबचे शेतकरी दुग्ध व्यवसायात कोणते तंत्रज्ञान वापरतात, पंजाबच्या शेतकऱ्यांचे अधिक दूध देण्यामागे पंजाबच्या शेतकऱ्यांचे जे गायी पाळतात त्या गायीचे अधिक दूध देण्यामागचे रहस्य नेमकं काय आहे, पशुपालक जे आहेत ते कमी मजुरांमध्ये जास्त जनावरे कशा पद्धतीने सांभाळू शकतात, या संबंधित विषयावरती चर्चा करण्यासाठी आज आपण डॉक्टर इम्रान सर यांना आमंत्रित केलेले आहे। चला तर मग जास्त वेळ न दवडता आपण डॉक्टरांकडून जाणून घेणार आहोत की पंजाबच्या पशुपालकांचे दुग्ध व्यवसायातील रहस्य। तेव्हा मी इम्रान सर यांना विनंती करतो की सर आपण मार्गदर्शनपर वेबिनारला सुरुवात करावी। महाराष्ट्रातील तमाम शेतकरी तसेच पशुपालक बांधवांना मी सांगू इच्छितो की इम्रान सर आज हिंदीमध्ये त्यांच्या जे काही अनुभव आहेत तर आपल्यासोबत व्यक्त करणार आहेत, तर कृपया आपण सर्वांनी या वेबिनारचा, त्यांच्या तंत्रज्ञानाचा, पंजाबच्या पशुपालकांचा अनुभव जाणून घ्यावा। इम्रानजी आप प्लीज आपकी जो डेअरी फार्मिंग के बारे में जो कोई बायोग्राफी है तो आप बायोग्राफी महाराष्ट्र के डेअरी फार्मर्स को आप बता दीजिए। जी नितिन जी, शुक्रिया आपका। मैं सभी अपने जो फार्मर्स है, डेयरी फार्मर्स, उनका स्वागत करता हूं आपके इस माध्यम से जिसका नाम है धेनू एग्रीटेक, और जो आपने ऐप लॉन्च किया है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो हमारे फार्मर्स है, छोटे छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास 5 गाय 10 गाय 20 गाय 50 गाय भी हो, तो इन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने ये सोचा और इनके लिए ये ऐसा कुछ किया ताकि ये एक ऐप से सारा कुछ अपनी गायों के लिए एक डिटेल इंफॉर्मेशन ले सके। और हमें आमंत्रित किया इस चीज के लिए ताकि हम अपना कुछ एक्सपीरियंस, हमने जो गेन किया इतने सालों तक जिसमें हमने तजुर्बे किए, कुछ सीखा, कुछ समझा, कुछ अपने दोस्तों से, कुछ अपने काम करने से, जो हमने फार्मिंग की देखा, हमने दूध को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, गाय को कैसे पाल सकते हैं, बच्चों को जो हमारे हीफर्स आएंगे उनको कैसे पाल सकते हैं, ये सारा कुछ। और आपने एक जरिया बनाया जो ये ऐप बना के और ये सिस्टम में डाल के ताकि हम अपने फार्मर्स के नजदीक पहुंच सके और उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। हम नितिन जी आपका शुक्रिया करते हैं इस चीज के लिए, और मैं अपने फार्मर्स भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको कभी भी कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, आप इस धेनू ऐप का यूज करके हम तक पहुंच सकते हैं और हम आपका समाधान कर सकते हैं, और वो भी एक अच्छे तरीके से, जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है, जितना भी हमने एक डेयरी फार्मिंग से सीखा है। मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इमरान। मैं एक्चुअली जम्मू कश्मीर से हूँ, लेकिन मेरा काम 10-12 साल का पंजाब में था। पंजाब में मैं लगभग 800 एनिमल्स का डेयरी फार्म चलाता था जिसमें ज्यादातर HF काउज और जर्सी काउज होती थी। अब हमारे भाइयों जो डेयरी फार्मर्स के भाई हैं उनके पास बफेलो भी होगी। गाय और भैंस के अंदर कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों का काम है एक बछड़ा देना, बछड़ी देना,
और दूध देना, दोनों का काम यही है। और दूध जो हो वो अच्छा हो, क्योंकि दूध पे ही सारा कुछ डिपेंडेंट है। और प्रेगनेंसी यानी जब वो बच्चा पैदा करने के लायक रहे और वो बच्चा दे और हर साल दे बच्चा, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है एक डेयरी फार्मिंग चलाने के लिए। मैं आप डेयरी फार्मर्स से यही कहना चाहूंगा कि मैं आपसे कुछ चीजों पर आज मैं आपकी रोशनी डालूंगा जो कि डेयरी फार्मर्स फार्मिंग के लिए बहुत ही जरूरत होता है एक डेयरी फार्मर को ध्यान रखने के लिए, जो कि है जो मैं एक एक पॉइंट कर करके आपको समझाता जाऊंगा। आपको कभी भी कोई भी डाउट है तो आप नितिन जी से कांटेक्ट कर सकते हैं धेनु ऐप के जरिए से, और वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको एक बेहतरीन सॉल्यूशन देंगे ताकि आपके जो 5 गाय 10 गाय जितनी भी आपके पास गाय है वो अच्छा दूध दे, बेहतरीन दूध दे और अपने सेहत में रहे। तो मैं शुरू करता हूँ, जो मैंने अपना तजुर्बा किया है या जो कुछ भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने के लिए। मेरे भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम गाय पालते हैं, किसी के पास 2 हो 4 हो जितनी भी हो, हमारा काम होता है गाय से दूध लेना और एक बछड़ी या बछड़ा लेना। अब दूध जो है कैसे लिया जाता है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि गाय को प्रेग्नेंट किया जाता है, गाय बछड़ा देती है और दूध आता है, और बछड़ा आए बछड़ी आए वो कुदरती है। लेकिन आज ऐसी टेक्नोलॉजी आई हुई है जिसे सेक्सड सीमन कहा जाता है, जिससे हमें बछड़िया ही मिलेंगी और हमें बछड़े पालने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमारे पास बछड़िया होगी। ये बहुत सी कंपनियां हैं ऐसी जो कि हमें बछड़िया दे सकती है, जो कि मतलब जो उनका टीका लगा के हम बछड़िया ले सकते हैं। उनका मैं आपको शेयर कर लूंगा डिटेल, जो कि आप कभी भी इस वेबसाइट से और इस ऐप से आप कलेक्ट कर सकते हैं, और वही सीमन आप गायों को प्रेग्नेंट करने के लिए या भैंस को प्रेग्नेंट करने के लिए या कोई भी देसी गाय हो, गिर हो, थारपारकर हो, साहिवाल हो, कोई भी हो, उन सब के लिए ये सेक्स सीमन आया है। सेक्स सीमन का मतलब यही है कि जब आप उसको वो टीका लगाओगे तो वो आपको प्रेग्नेंट करके हीफरी आ जाएगी, यानी आपकी फीमेल काफ आ जाएगी, बछड़ी आ जाएगी। जब ये गाय प्रेग्नेंट हो जाती है, अब हमें देखना है कि गाय प्रेग्नेंट होने से पहले, प्रेग्नेंट होने के बाद, ये सारा कुछ हमें जरूरी चीज होती है, मतलब इनका ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी होता है। अब मैं आपको हर एक स्टेज के बारे में बताऊंगा गाय के, और इनको गायों को कैसे कैसे पाला जाता है, आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो ताकि ये गाय अच्छे से अच्छा दूध दे, तंदुरुस्त बछड़ी या बछड़ा दे सके, या भैंस जो भी हो हमारे पास जो दूध की क्वालिटी हो वो भी अच्छी हो, जो बछड़ा या बछड़ी आए वो भी अच्छी हो, और गाय की सेहत भी बनी रहे या भैंस की सेहत भी बनी रहे। इसके लिए हमें गाय को प्रेग्नेंट करने से पहले तैयार करना होता है ताकि वो प्रेगनेंसी जल्दी में आ जाए। अब हम इसकी गाय की साइकिल के बारे में समझेंगे पहले, तभी हम प्रेगनेंसी की तरफ जाएंगे। गाय का साइकिल का मतलब होता है कि गाय पहले प्रेग्नेंट होती है। हम अगर हम कहीं मार्केट से गाय लाते हैं, चलिए हम पहले यही देख लेते हैं हम गाय लाएंगे कहां से। कोई भी गाय लाया है, आप देसी गाय लाइए, आप साहिवाल लाइए, आप गिर लाइए, आप थारपारकर लाइए, आप HF लाइए, आप जर्सी लाइए, आप धेनु ऐप से पता कर सकते हैं कि कहां से मिल सकती है हमें अच्छी अच्छी किस्म की गाय। और कोई भी डेयरी फार्मर जिसका अभी बना हो डेयरी फार्म, उसके लिए बहुत जरूरी है वो पहले जिसका दूसरा साल हो बच्चा देने में या तीसरा साल हो, ऐसी ही गाय खरीदे ताकि वो जब वो अपना फार्म शुरू करे तो वो अपना गाय उसकी तंदुरुस्त रहे और वो अच्छा दूध दे। अब इन गाय खरीदने से पहले हमें गाय की जांच जरूरी करनी पड़ती है। गाय की जांच में हमें देखना पड़ता है अगर गाय पिछले साल जहां से हम खरीद रहे हैं तो वो प्रेग्नेंट है तो हम चेक करके ले लेंगे कि वो प्रेग्नेंट है। अगर नहीं आता है हमें चेक करना तो उसके लिए भी एक किट आता है जिसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट कह सकते हैं। आप
उसका दूध भी ले सकते हैं और उसका खून का सैंपल भी ले सकते उसके टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास कोई जानकार बंदा ना हो जिसके पास ये सिस्टम ना हो, जो हाथ डाल के जैसे हम गांव में देखते हैं, तो आप इस ब्लड टेस्ट से भी दे सकते हैं। अगर ये भी नहीं आपसे होता है, आप किसी भी लैब में जाके गाय का ब्लड और या उसका पेशाब दे सकते हैं, तो आपको उसकी गाय का प्रेगनेंसी पता चल सकता है। तो आपके लिए बेनिफिट है, तो कोई भी धोखा नहीं हो सकता है आपके साथ अगर आप नई गाय खरीदें। और गाय आप कैसी खरीद लेंगे? गाय आप ऐसी खरीदेंगे जो कि हर एक बीमारी से दूर होगी, जिसको वैक्सीनेशन किया हो। मोर इम्पोर्टेंट है वैक्सीन। गाय के शरीर के अंदर कोई भी बीमारी कभी भी लग सकती है, तो उससे बचाने के लिए हमें उसको हर साल कम से कम 3-4 किस्म की वैक्सीन करनी पड़ती है। हालांकि सिर्फ गाय के लिए नहीं, बछड़ियों के लिए भी, बच्चों के लिए, बछड़ों के लिए भी, दोनों के लिए हम ये चीजें बहुत जरूरी है। अब हम पहले गाय खरीद रहे हैं, तो हमें अगर किसी फार्मर से गाय खरीद रहे हैं जिसके पास 100, 200, 300 गाय है, तो हमें उससे पहले सर्टिफिकेट लेनी चाहिए कि आपकी गाय में वैक्सीन की हुई है कि नहीं। अब वैक्सीन कौन कौन सी है? वैक्सीन आती है FMD की, वैक्सीन आती है HS की, वैक्सीन आती है फिलेरिया की, वैक्सीन आती है ब्रुसेला की। ये किस्म की बीमारियां हैं जो जानवरों में, गायों में, भैंसों में बहुत बहुत मतलब जल्दी पकड़ में आती है। अगर ये गाय को या भैंस को हो गया तो वो हमारे काम की नहीं रहती है। हमें गाय चाहिए एक तंदुरुस्त गाय, जो कि हम अपने फार्म में चाहिए, और हमें चाहिए वो हमें कम से कम 10-15 साल हमें दूध दे और एक बच्चा भी दे। तो इसलिए गाय हमें वैक्सीन करके ही लेनी चाहिए। अगर नहीं ले रहे हैं, तो जब हम गाय खरीद रहे हैं, जिस शेड में हमें रखनी है, पहले हम उस शेड में नहीं रखेंगे गाय को हम किसी और जगह ले जाके 10-15 दिन रखेंगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, मान लीजिए आपने शेड बनाया हुआ है या मतलब गौशाला बनाई हुई है अपने गायों को रखने के लिए, जहां पे आप 20 गाय, 25 गाय, 50 गाय रखना चाहते हैं। लेकिन अब आपने गाय लाई है मार्केट से खरीद के, किसी फार्मर से, किसी अपने दोस्त से, किसी मित्र से, और आप जाते हैं ये सीधा जाके आपने शेड में चली जाए जो आपने इनके लिए घर बनाया है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता उसमें कोई भी किस्म की कोई भी बीमारी हो तो वो बाकी पशुओं में भी लग सकती है। इस सिस्टम को हम बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं पिछले 2-3 साल के अंदर, जिसे हम कोविड के नाम के जान चुके हैं, जिसमें हम क्वारंटाइन रखते थे। इसी सिस्टम को कहते हैं गायों में भी, जो हम पिछले 10-20 साल से कर चुके हैं, कि हम गाय को अगर मार्केट से खरीदते हैं तो हम उसको क्वारंटाइन करते हैं। क्वारंटाइन मतलब कि अगर इसको 15 दिन 20 दिन के अंदर कोई बीमारी नहीं नजर आ रही है, तो हम इसको अपने शेड में ले जाएंगे, जहां पर हमें इनको एक्चुअल में इन नई गायों को रखना है। इस दौरान, इस क्वारंटाइन के दौरान, हमें इन गायों पर चाहे वो कितनी भी हो, खास ख्याल रखना होता है। उनको अच्छा खाना देना होता है। खाने में जो भी है वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। जो इनका आहार होता है वो एकदम पौष्टिक होना चाहिए, जो कि ये अच्छे से खा सके। अब इसमें मैं वैक्सीनेशन की तरफ जा रहा हूं। इन 15 या 21 दिन के अंदर जो हम क्वारंटाइन पीरियड रखते हैं, इसके अंदर हमें पहले इनकी डोजिंग करनी है। डोजिंग या हम कहते हैं डिवर्मिंग, दोनों टर्म ठीक है। आप कोई कहे डोजिंग की हुई है, कोई कहे डिवर्मिंग की हुई है। तो इन 21 दिन के अंदर, जिसे हम क्वारंटाइन पीरियड कहते हैं, इसके अंदर हमें इनको डिवर्मिंग कर देंगे। इसके 7 दिन के अंदर हम इनको वैक्सीन कर देंगे। वैक्सीन इंडियन इम्यूनोलॉजिकल का भी आता है, ज्यादातर वही चलता है। आप उसको यूज कर सकते हैं और आपके एनिमल्स हर बीमारी से दूर रहेंगे। अगर आपके पास प्रेग्नेंट गाय है, तो आप उस पे एक वैक्सीन और होता है ब्रुसेला, जो नहीं कर सकते हैं हम उस टाइम जब वो प्रेग्नेंट हो। तो इसीलिए हम FMD, HS, BQ का वैक्सीन करते हैं, ताकि गाय के जो मुंह पे छाले आ जाए या पैर पे छाले आ जाए, इससे वो गाय बच सके। 21 दिन तक आपको गाय को अच्छे से देखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। उसके बाद 21 दिन के बाद आपको उस शेड में ले जाना है।
अब ये मैंने वैक्सीन की बात कही, इसका मैं आपको फुल डिटेल दे दूंगा, कौन सी वैक्सीन कब करनी है और कहां कहां से आपको मिलेगा। इस धेनु ऐप के अंदर आपके पास सारी डिटेल होगी, आपको एक क्लिक के अंदर पता चल जाएगा मुझे कब किसकी वैक्सीन कब करनी है और डिवर्मिंग कब करनी है। ये बहुत जरूरी होता है, हमारे जो देसी फार्मर्स है जिनके पास एक गाय 10 गाय होती है वो इन चीजों को नहीं करते हैं, लेकिन इन्हीं चीजों की वजह से उनका दूध और गायों में बीमारी लगने का खतरा ज्यादा रहता है। मैं कम से कम मेरे पास जो थे 800 900 गाय थी, हमें कभी भी ये किस्म की प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि हमारे पास जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके जब तक वो हमारे पास या कुदरती या किसी कारण वो मरता नहीं है तब तक वो हमारे पास सही रहता है। इसलिए हमने ये सोचा है कि आपको एक वैक्सीनेशन शेड्यूल सही तरीके से हम दें और सही तरीके से गाय रहे। अब हमें वैक्सीनेशन हो गई, 21 दिन तक गाय ठीक रही, अब इसको उठा के हम अपने उस शेड में ले जाएंगे जहां हमें इस गाय को रखना है। उसके बाद इस दौरान एक और चीज हमें करनी है जिसे कहते हैं डिटेकिंग। छोटे छोटे कीड़े शरीर के ऊपर, जुएं कुछ भी हो जाती हैं, उनको हम स्प्रे के दौरान, साइपरमेथ्रिन होता है एक और दवाई होती है जिससे ये सारे कीड़े मर जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर से कीड़े निकाल के गाय के खून के अंदर डाल देते हैं, और जब गाय के अंदर ये चले जाते हैं गाय या बछड़ी या बछड़ा बीमार हो जाते हैं, वो इनका खून पी जाते हैं और आपकी गाय कम दूध देती है। ये आपका है क्वारंटाइन में। उसके बाद आपके पास गाय आती है, गाय आपके फार्म में आ गई, आपके शेड में आ गई, आप जहां आप इसको एक्चुअल में रखना चाहते हैं। अब आप यहां क्या करेंगे इस गाय को, पहले आपको पता होनी चाहिए बात कि आपकी गाय है क्या, ये क्या है, मतलब प्रेग्नेंट है, दूध देने वाली है, बच्चा देने वाली है, तीनों चीजें अलग अलग है। अगर ये बच्चा देने वाली है, मान लीजिए इसका आखिरी महीना चल रहा है, 9वां महीना या भैंस का 10वां महीना चल रहा है, अब ये आपको बच्चा देगी, इस दौरान हमें इसका बहुत जरूरी ख्याल रखना होता है जिसे हमें कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड मतलब ये चीज है कि हम गाय को तैयार करते हैं या भैंस को कि आप जब बच्चा दोगे हमें बहुत अच्छा दूध दोगे और खुद भी तंदुरुस्त रहोगे। इस ट्रांजिशन पीरियड में हम एक फीड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन फीड। ट्रांजिशन फीड देना होता है बच्चा देने से 28 दिन तक पहले, यानी 28 दिन रहते हैं बच्चा देने को, तब हमें ये फीड इनको देनी है। कितनी देनी है, क्या क्या देना है, वो आपको धेनु ऐप से मिल सकता है। इसके बाद इसने गाय ने बच्चा दिया। अब बच्चा देने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाय का जहां वो बच्चा दे रही है वो साफ सुथरा हो, जो बच्चे को पकड़ रहा है वो साफ सुथरा हो, जहां बच्चा हम रख रहे हैं वो साफ सुथरा हो, जहां हम गाय रख रहे हैं वो जगह साफ सुथरी हो। अब इस जगह को साफ सुथरी रखने के दो तरीके हैं। एक, आप रोज इसको धोओगे और उसके बाद इस पे केमिकल यूज करोगे। अब केमिकल जो यूज करने के लिए आपको केमिकल जो मार्केट से मिल सकता है किसी भी शॉप से, वो भी आपको धेनु ऐप से मिल सकता है क्या क्या वो चीजें हैं। उस एरिया को पहले आप जहां बच्चा दे रही है गाय उस पे आप घास डालोगे, अच्छे से घास डालोगे ताकि वो जहां बच्चा दे उसके लिए वो कंफर्ट हो। हम जब अपने घर में बैठते हैं, हम कुर्सी पे बैठेंगे, हम सोफे पे बैठेंगे, हम बेड पे बैठेंगे, हम ये सोचते हैं कि ये जगह मेरे लिए कितनी अच्छी है। ऐसा ही हमें गाय के लिए सोचना है। अगर हमने ये सोच गायों के लिए रख ली तो गाय हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगी, बहुत अच्छा दूध देगी, बहुत अच्छे से बच्चा देगी। अब हमने गाय के लिए नीचे से घास डाल दी और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, गाय ने बच्चा दे दिया, अच्छे से दे दिया, तो आप मान लीजिए कि आपकी गाय अच्छी है। इसके बाद आपको करना है
इसके बाद आपको काम करना है कि जो बच्चा आ गया उस बच्चे को आपको देखना है आगे से पीछे से दाएं से बाएं से कि बच्चा कितना तंदुरुस्त है, आधे घंटे एक घंटे के अंदर वो खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको उसको मदद करके किसी कच्ची जगह पर किसी नरम जगह पर खड़े करके दिखाना है ताकि बच्चा खड़ा हो, और इसी आधे घंटे और एक घंटे के अंदर इसको गाय का पहला दूध देना है जिसे हम अपनी जबान में कोलेस्ट्रम कहते हैं। आप अपनी जबान में क्या कहते होंगे ये आपको मेरे से बेहतर पता है। उस कोलेस्ट्रम को इतना दे कि वो 12 घंटे के अंदर, अगर छोटा है तो कम, बच्चा अगर छोटा साइज में है तो कम, अगर बड़ा है तो ज्यादा। अब इसके लिए होता है 10% उस बच्चे के वजन का, यानी अगर 20 किलो का है तो 10% के हिसाब से 2-2.5 किलो दूध ही देना है उसको, और कम से कम आधे घंटे एक घंटे के अंदर उसको गाय का पहला दूध देना ही देना है। उसके बाद उसको हम 12 घंटे तक ये दूध 2-3 घंटे के अंतराल में दे देना है ताकि वो उस दूध में सबसे ज्यादा पौष्टिक होती है, उसमें बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है, गाय क्या रहेगी आपकी सेहत, बच्चा क्या है अपना सेहत में रहेगा, और जब बच्चा सेहत में रहेगा तो गाय कुदरती सेहत में रहती है। कोशिश करिएगा अगर आपके पास कम गाय है तो माँ का दूध उसको डायरेक्ट पिलाइए, अगर नहीं तो बाल्टी में कभी ना दूध पिलाइए। एक काफ फीडिंग बोतल आती है जिसका भी मैं लिंक आपको धेनु ऐप में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, ज्यादा महंगी नहीं है। जैसे हम बच्चों को बोतल से दूध पिलाते हैं वैसे हम बछड़ियों या बछड़ों को दूध पिला सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम सीधा बाल्टी से भी पिला सकते हैं, अगर हम बाल्टी से पिलाएंगे तो वो सिर नीचे करके पिएगी, जब वो सिर नीचे करके पिएगी तो उसके असली पेट में दूध जाने के बजाय गलत जगह दूध चला जाता है जिससे उसको क्या होता है डहरिया हो जाता है। अगर पहले दिन ही उसको डहरिया लग गया तो वो बछड़ी बचती नहीं है, इसका हमें ज्यादा ध्यान रखना होता है। एक तो आपने दूध टाइम से पिला दिया और कितना पिला दिया ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद उसकी तूनी जो है तूनी पे आपको दवाई लगानी है, एक सिंपल सी दवाई आती है टिंचर आयोडीन, वो आप देख सकते हैं, और उसका स्प्रे आप उसकी तूनी पे कर सकते हैं कम से कम 5-6 दिन तक लगातार, और दूध भी आप उसको उसी, जरूरी नहीं है वही माँ का हो या किसी और माँ का हो, जिसने भी कोलेस्ट्रॉल दिया हो आप उसका दूध पिला सकते हैं। एक बड़े डेयरी फार्म में हम कभी भी ये ध्यान नहीं रखते हैं कि ये इसी माँ जो जिसकी ये बछड़ी है उसी का दूध है, उसी माँ का दूध है कि नहीं है। हमें दूध चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चाहिए, वो किसी भी गाय का हो। अगर आपके पास ज्यादा है, मान लीजिए आपकी गाय ने 10 किलो दिया और आपकी बछड़ी ने 6 किलो दिया, आपको पता है कल मेरे पास एक और बछड़ी आने वाली है या बछड़ा आने वाला है, तब आप क्या करेंगे इसको फ्रीजर में रख सकते हैं और फिर से हल्का सा गर्म करके गाय बछड़ी को पिला सकते हैं। तो ये एक डेयरी फार्मिंग की टेक्निक होती है, इसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बैंक, जो कि आज आम हो चुका है इंडिया में भी और बाहर तो है ही। अब जब आपका बछड़ा बछड़ी दूध पी चुकी है, सेहतयाब है, उसको कोई परेशानी पहले 5 दिन या 10 दिन नहीं हुई है क्योंकि आपने उसको दूध सही तरीके से पिलाया है, आपने उसको ये किया हुआ है कि आप कहते हैं तूनी के ऊपर दवाई लगाई हुई है, तो आपका बछड़ा एकदम से सही रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद बछड़ी को आपको अलग से पालना है, बछड़ों को आपको अलग से पालना है, लेकिन गाय के साथ क्या करना है? मैंने आपसे अभी बात की कि डॉक्टर साहब और एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जो जिस टाइम जो काल्प गाय बच्चा देती है उसको काल्प होता है, फीमेल होती है, वो बहुत अच्छी वाली होती है, अच्छे सीमेन वाली, अच्छे सीमेन डालने के बाद अच्छी बछड़ी पैदा हो जाएगी, बिल्कुल, बिल्कुल, तो उसका काल्प मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, उसको काल्प केज का कितना बेनिफिट होता है? हाँ, मैंने आपको कॉल मैनेजमेंट के बारे में ही मैं कह रहा था कि पहले आपको पता होनी चाहिए, जब गाय देखोगे
मान लीजिए आपके पास 10 गाय है, 10 में से 10 के 10 बच्चे नहीं देगी। मान लीजिए आपके पास 4 गाय ऐसी हैं जो बच्चा देने के लिए तैयार है, तो आपको हर दिन सवेरे शाम उस गाय के ऊपर नजर रखनी है कि उसका वाटर बैग बाहर तो नहीं आ रहा है, यानी पानी की थैली बाहर तो नहीं आ रही है। अब आप क्या करोगे, उसको एक अच्छी जगह पे लाओगे जो साफ सुथरी हो। उसके लिए आपको बायोसिक्योरिटी करना पड़ेगा। बायोसिक्योरिटी का मतलब होता है कि आप उसके ऊपर स्प्रे करेंगे जहां पर वो बछड़ा रहेगी, और हल्की सी सूखी हुई घास डालेंगे या मैट्स डालेंगे। मैट्स भी मिल जाते हैं मार्केट से, आप धेनु ऐप से ले सकते हैं। तो आप उसके ऊपर उसकी काविंग कर सकते हैं। अब काविंग के दौरान क्या क्या चाहिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब उसका वाटर बैग आएगा तो आपको देखना है कि अगर आप खुद देख सकते हैं तो अच्छी बात है। कोशिश कीजिए डेयरी फार्म में जितना काम आप खुद कर सके वही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि काम आपका है, किसी और का नहीं है। जब तक आपके पास डॉक्टर या कोई और पहुंचेगा, आप कम से कम उसमें से 100 में से 30-40% काम कर चुके होंगे। या मेरा कहने का मतलब है, जो गाय आप कहीं पर भी रखेंगे वो साफ सुथरी होनी चाहिए, उस एरिया को आपने नरम रखा हो, बेडिंग रखी हो, पानी आप रखिए आराम से ताकि अगर गाय पानी पिए पी सकते हैं। अगर गर्मी का मौसम है फैन भी रखिए, अगर थोड़ी सी नमी है हवा में तो फैन काम करेगा, अगर सूखापन है तो आप क्या करेंगे उसमें आप ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हैं, यानी फॉगर यूज कर सकते हैं। लेकिन जितना भी हो सके उस एरिया को साफ रखिए। उसके लिए आप स्प्रे कर सकते हैं, जो कि मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा क्या क्या चीजें हैं। अब आप आगे बढ़िए, आपने देखा कि गाय का पानी का बैग आ चुका है। अब आप हल्का सा उसको हाथ डाल के अपने हाथ साफ से साफ कीजिए और हाथ डाल के देखिए कि बछड़े के पैर आगे वाले और सिर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और गाय को आराम से छोड़ दीजिए और देखते रहिए। गाय खुद अपने जोर से अपनी पेन की वजह से बछड़े को बाहर या बछड़ी को बाहर निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है। अब इसमें भी प्रॉब्लम यही आ जाती है कि हमें इन चीजों का पता नहीं होता है डेयरी फार्म में, हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, हम छोड़ देते हैं गाय पता नहीं कब बच्चा दे चुकी है, आधे घंटे पहले, 3 घंटे पहले, और हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं। इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है और आपको देखना पड़ता है कि गाय अच्छे से बच्चा दे रही है कि नहीं दे रही है। जब उसका बछड़ा या बछड़ी आ गई, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा, अगर आपको डेयरी फार्म रन करना है, आपको एक दूध का व्यवसाय बनाना है, तो आपको बछड़ियां ही चाहिए। उसके लिए आप सेक्स सीमन यूज कर सकते हैं, वो बहुत सारी कंपनियां हैं, कम से कम 3-4 कंपनियां हैं हमारे पास इंडिया में अवेलेबल है, जो आपको वो सेक्स सीमन दे सकती है ताकि आपको बछड़ियां ही मिल सके। अब मैंने आपको कहा कि आप वो एरिया साफ रखिए और देखिए बछड़े का पैर और सिर बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब वो बाहर आ जाए, आप उसके बाद उसको टॉवल से अच्छे से साफ कर दीजिए, या अगर आप चाहते हैं कि गाय ही उसको चाटे तो चाटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं चाहते तो एक अच्छा सा साफ सा टॉवल लेके उसको साफ करके आप बछड़ी को ले जा सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है उसको वहां पर गाय के पास रखना, क्योंकि हमारी जो HF गाय है, जर्सी गाय है, इनको ज्यादा जरूरत नहीं होती है आजकल के ये ऐसे दे सके। इमरान जी, मैं और एक आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। गाय और भैंस के लिए मक्के का साइलेज और गेहूं का कुटार बहुत अच्छा है, ये क्यों माना गया है, इसमें क्या होता है? पंजाब के फार्मर ज्यादा से ज्यादा मक्के का साइलेज और गेहूं का कुटार खिलाते हैं। मैं उस पे भी आता हूँ, जो कि मैंने आपसे कहा कि ट्रांजिशन जो फीड होती है 28 दिन पहले देनी होती है, और फीड ही सिर्फ काम नहीं करती है, इसके साथ साइलेज, ग्रीन और सूखा घास देना होता है, एक तरतीब में देना होता है। यानी आपके पास फीड की 50 किलो की बोरी है, आप गाय के सामने 50 किलो नहीं रख सकते हैं, आपको एक सही तरीके से जितना उसको चाहिए उतना आपको रखना है ताकि वो खाए और उसको पौष्टिकता मिले, ना कि उसको उससे प्रॉब्लम रहे। अब साइलेज और ग्रीन, मेरे भाइयों से यही इल्तिजा है कि आप पहले ये देखें कि साइलेज क्यों बनाया जाता है, समझिए इस चीज को।
साइलेज इसलिए दिया जाता है अगर हम हरा दे देते हैं, मान लीजिए आज महाराष्ट्र में बारिश होगी, खेत में कोई गया नहीं, तो आपके पास हरा नहीं आएगा। जब आपके पास हरा नहीं आया तो आज आप गाय को क्या खिलाएंगे? तो गाय को आप भूखा तो नहीं रख सकते। जब आपने गाय को भूखा रख दिया, वो आपको कल दूध पे भूखा रख देगी। जहां वो 15 लीटर दे रही होगी, वो आपको 7 लीटर दे देगी, यानी 7 लीटर वो अपने लिए खा गई। ऐसा हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम साइलेज देते हैं। ये साइलेज का एक फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये हो गया कि आचार सबसे सेहतमंद होता है गाय के लिए और सही में होता है। इसमें क्या होता है, ड्राई मैटर सही होता है। ड्राई मैटर होता है कि मतलब गाय के अंदर कितना जो घास गया है उसका वजन एक्चुअल में कितना है, पानी को निकाल के, पानी का निकाल के गाय के अंदर कितनी अच्छी चीज गई हुई है। तो इसी को देखने के लिए एक साइलेज एक सही तरीके से बनाया जाता है। साइलेज में जो दूध को बढ़ाने के लिए लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड काफी अच्छे मकदार में होता है, और उसमें विटामिन मिनरल्स जैसे प्रोटीन जैसे हरे घास में होता है वैसे उसमें भी रहता है। और जो हरा घास है वो आपको ज्यादा खिलाना पड़ेगा, साइलेज आपको कम खिलाना पड़ेगा। और हरा घास आप जब बारिश हो जाएगी या कोई कोई आया नहीं आपके पास मजदूर काम करने के लिए, तो आप खेत में जाके बारिश के दौरान ला नहीं सकते हो। अगर आपने इस चीज पे, मैं आप अभी आऊंगा आपके पास कि क्यों नहीं हम चेंज कर सकते हैं, यानी आपके पास जब हरा नहीं आएगा तो आप उठा के उसको साइलेज खिला दोगे, तूड़ी खिला दोगे, तो उससे क्या होता है उसमें जो पेट के अंदर, कहा जाता है कि गाय को खिलाने से पहले, यानी गाय को खिलाने से पहले गाय के अंदर जो कीड़े हैं उनको खिलाया जाता है। यानी जो हम घास गाय को देते हैं खाने के लिए, जो फीड देते हैं खाने के लिए, जो सूखा घास देते हैं खाने के लिए, वो गाय पहले नहीं खाती है। जो गाय के पेट के अंदर जो कीड़े हैं पहले वो खाते हैं, उसके बाद जो कीड़े उसमें से मर जाते हैं, जब वो खा के मर जाते हैं तब गाय उन कीड़ों को खाती है, उन कीड़ों को खाती है। ये उसकी पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में ही है ये सिस्टम, यानी उसका पाचन शक्ति ऐसी ही बनाई है ऊपर वाले ने ताकि वो चीज ऐसे खा सके। तो इसमें हमें, मान लीजिए आज आपने हरा दिया, कल आप साइलेज देंगे, परसों तूड़ी देंगे, तो ये हम गायों के साथ ऐसी चीजें कभी भी नहीं कर सकते हैं। गायों को जो आज दे रहे हैं वो कल भी देना पड़ेगा। जैसे हम है आज अगर रोटी खा ली, कल चावल भी खा सकते हैं। गायों के अंदर ऐसा नहीं है कि आज हरा देंगे कल आप सूखा दे देंगे। उनका दूध, उनकी सेहत पे असर, उनको बीमारी लगने का खतरा और बढ़ जाता है। अगर आपको कोई भी चीज गायों में देनी है, मान लीजिए आप हरा दे रहे हैं, अब आपको साइलेज देना है, तो आपको एक ही दिन में उसको मतलब आज साइलेज दे दिया कल हरा देंगे नहीं, कम से कम आपको 5-6 दिन के अंदर इसको धीरे धीरे करके कोई भी चीज बढ़ा बढ़ा के देनी है। एक साथ आप कोई भी चीज नहीं दे सकते हैं, इसीलिए जो साइलेज है ये बेस्ट माना जाता है। इससे आपकी गाय तंदुरुस्त रहती है और गाय का दूध में, मान लीजिए आपके खेत में किस्म किस्म की मक्की का भी है, सोरगम का भी है, जवी का भी है, कोई भी टाइप का हरा चारा है, आप कभी कुछ ला रहे हो काट के, कभी कुछ ला रहे हो, इसपे गाय के दूध के ऊपर भी असर आ जाता है। दूध का टेस्ट जो है वो भी चेंज हो जाता है। साइलेज के साथ दूध का टेस्ट, दूध में जो फैट है, दूध में जो SNF है, वो सही रहता है। इसीलिए हमेशा गाय को एक जैसा ही खिलाना चाहिए। अगर आप चेंज भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप हरा डालना चाहते हैं, तो एक दिन ही में चेंज मत कीजिए, कम से कम 6-7 दिन के अंदर उसको धीरे धीरे करके हरे पे या साइलेज पे लाइए। अब मैं वापस आता हूं कि काविंग जो और हो युवराज जी, और एक मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के फार्मर्स है तो साइलेज बनाते हैं, महाराष्ट्र के फार्मर्स का साइलेज खराब होता है कभी कभी, ये साइलेज का क्वालिटी अच्छा होने के लिए और खराब होने से बचने के लिए क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या
बता सकते हैं? बिल्कुल, मैं नितिन जी आपको अपने जो डेयरी फार्मर्स है जो ये साइलेज बनाते हैं, मैं बहुत खुश हूं ये जान के कि आप साइलेज बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप घास खरीद के लाते हैं तो वो आपको महंगा पड़ेगा, अगर आपकी घास खुद की है और आप उसको साइलेज बना रहे हैं। साइलेज हमेशा हमेशा एक ही चीज का बहुत अच्छा बनता है, वो है मक्का। मक्का का साइलेज बहुत अच्छा बनता है, जिसे हम मेज कहा जाता है, क्योंकि उसमें शुगर मीठापन ज्यादा होता है। जब भी मक्के के जो उसका पेड़ लग जाता है उसमें दो छलियां या एक छली आ जाती है, और छली हमेशा दूध वाली होनी चाहिए। उसको आप हाथ में लो और उसका दाना आप हाथ में प्रेस करो, जब वो दाना दूध छोड़े तब आपका छली तैयार है और मक्का साइलेज के लिए तैयार है। अब हमारे पास है कि हमारा साइलेज खराब क्यों हो जाता है, इसके लिए मैं आपको, देखिए मैंने आपका साइलेज देखा नहीं, अगर नहीं देखा है तो फिर भी मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बता सकता हूं कि जिससे आप अपनी गायों जो साइलेज है वो बेहतर के बेहतर अपनी गायों को खिला सकते हैं। पहली बात, जो भी आप बना रहे हैं, जिस जगह पे भी आप बना रहे हैं, वो थोड़ा, जिस जमीन पे आप बना रहे हैं वो थोड़ी ऊंची होनी चाहिए बाकी जमीनों से। दूसरी बात, आप दो तरीके से बना सकते हैं। डीनो ऐप के अंदर मैं आपको एक एप्लीकेशन दे दूंगा, एक लिंक दे दूंगा, जहां से आप ये साइलेज बनाने वाली मशीन डीनो ऐप के साथ आप नितिन जी से कॉन्टेक्ट करके मंगवा सकते हैं। वो बैग्स में बनाती है, 60 केजी का बैग होता है, आपको साइलेज बन जाएगा उसमें। अब क्या होता है, अब आप एक पिट बना सकते हैं, यानी आपके पास जमीन ज्यादा है, आप एक जमीन खोदिए, उसमें आप कंक्रीट की दीवार भी बना सकते हैं या आप कच्चे में भी बना सकते हैं। अगर आप कंक्रीट दीवार बना रहे हैं तो आप साइड से और कम से कम नीचे से साइड से पूरी दीवार को कवर कीजिए त्रिपाल के साथ, और साइड से आप लगभग 4 फुट त्रिपाल के साथ, एक काले कलर की त्रिपाल आती है, एक सफेद कलर की त्रिपाल आती है। त्रिपाल ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर पानी और हवा नहीं जाए। अगर आपका साइलेज पानी और हवा से बच गया, उसमें पानी और हवा नहीं गया, तो आपका साइलेज हमेशा हमेशा ठीक रहेगा। अब आप क्या कीजिएगा, एक पिट बना लीजिए, पिट को आप तीन तरफ से, दो दीवारें इस तरफ से दाएं बाएं से और एक आगे की तरफ से, क्योंकि आपको एक तरफ से उसको निकालना है और भरना भी है, उसको आप त्रिपाल डाल दीजिए। त्रिपाल आप 3 फुट 3 या 4 फुट नीचे की तरफ से, यानी जो नीचे फर्श है वहां पर भी डालिए, और फिर इनको जब साइलेज को कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा। जब हम घर में अचार बनाते हैं, हम उसको उस किसी भी बर्तन में उसको प्रेस कर देते हैं, प्रेस करने के बाद उसको हम बंद कर देते हैं, यानी जितनी भी हमारे पास उस बर्तन में हवा होती है उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। जब वो हवा निकल जाती है और ऊपर से हम ढक्कन टाइट बंद करके और हवा का जो रास्ता है वो बंद कर देते हैं। ऐसे ही साइलेज में भी करना है, साइलेज के अंदर हवा नहीं जानी चाहिए और प्रेस करना है, चाहे आप ट्रैक्टर से प्रेस कीजिए, किसी भी चीज से प्रेस कीजिए, और हो सके एक इनोकुलेंट डाल दीजिए। इनोकुलेंट से क्या होगा, आपका साइलेज का जो फ्लेवर है वो बढ़ जाएगा, आपकी साइलेज की लाइफ बढ़ जाएगी, आपका साइलेज अच्छा निकलेगा। और फिर आप उसको त्रिपाल के ऊपर से कवर कर दीजिए, ऊपर से मिट्टी का लेप लगा दीजिए। जब आपने मिट्टी का लेप लगा दिया, ना उसमें हवा जाने का खतरा, ना किसी चीज और चीज का पानी जाने का खतरा, और आपका साइलेज सालों साल, 1 साल 2 साल कहीं नहीं जाएगी। और साइलेज आपका लगभग 40 से 45 दिनों तक बन जाएगा, अगर आपका मौसम गर्म हो। अगर थोड़ा कम है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। जहरा बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इसको कवर रहे। अब मेरे छोटे किसान भाइयों के लिए बात यह है, डेयरी फार्मर भाइयों के लिए, जिनके पास 10 गाय है, वो अपना साइलेज मशीन छोटी सी मंगा सकते हैं और 60-60 किलो का बैग बना सकते हैं, और उतना ही उनको गायों पे खर्चा आ जाएगा घास खिलाने के लिए। और बहुत जरूरी है कि आप अपना साइलेज खुद बनाएं। जी इमरान जी, मैं और एक आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि पंजाब के जो फार्मर्स है, गाय और भैंस को TMR खिलाते हैं,
ये टीएमआर क्या होता है? जी जी जी, मैं अपने डेयरी फार्मर्स भाइयों को ये समझाना चाहता हूं, गायों में कोई भी चीज हम अलग अलग नहीं खिलाते हैं। अब आप ये समझिए कि मुझे सवेरे उनको दूध देने के बाद खाना खिलाना है, और मैं पहले चाहता हूं ये फीड खाए, फिर साइलेज खाए, फिर हरा खाए, फिर सूखा खाए। ऐसा मैं नहीं करता हूं, मैं इनका डाइट बनाता हूं। जैसे मुझे चपाती भी चाहिए, चावल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, रायता भी चाहिए और सलाद भी चाहिए, ऐसे ही इनका भी है कि अगर इनको फीड कितनी चाहिए। मान लीजिए कोई गाय आपको 10 लीटर दूध दे रही है, तो उसको 4 किलो, 4.5 किलो आपको फीड देनी है। अब आपको 4.5 किलो फीड देनी है, साइलेज 20-25 किलो देना है, सूखा चारा 1-2 किलो देना है, और इस चीज को एक मशीन में मिक्स किया जाता है। और जब मिक्स करते हैं तब ये फीड, तुड़ी और साइलेज और ग्रीन एक साथ मिक्स हो जाए, और गाय का क्या काम होता है, गाय जब भी खाती है वो इधर उधर फेंक देती है, और वो सोचती है मैं जो खा रही हूं मैं सबसे अच्छा खा रही हूं। मान लीजिए गाय का मूड नहीं है, गाय आपने टीएमआर में नहीं डाला, आपने ऐसे ही गाय के सामने फेंक दिया, उसने फीड ही खा ली, और अगर उसने फीड ही खा ली तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको पेट में गैस बन जाएगी जिसे ब्लोट कहा जाता है, एसिडोसिस हो जाएगी जिसका उसका दूध का कम हो जाएगा, उसको और भी बार बाकी चीजें प्रॉब्लम में आ जाएंगी, इसीलिए टीएमआर दिया जाता है। गाय को ये चूज करने में दिक्कत ना हो कि वो क्या खा रही है, तो वो जो खाएगी एक अच्छे तरीके से खाएगी, जिसमें मतलब सारा कुछ हो, फीड भी हो, साइलेज भी हो, ग्रीन भी हो, तुड़ी भी हो, और इसी को हम कहते हैं टीएमआर, टोटल मिक्स राशन। ये आप अगर आप जिनके पास बड़े फार्मर्स है, 50 गाय, 100 गाय, 200 गाय, उनके लिए बहुत है, जिनके पास 5 गाय 6 गाय है तो वो एक ही जगह पर एक मतलब मिक्सर एक छोटा बना सकते हैं, जो देनो ऐप से आपको मिल सकता है, इनके पास हम अवेलेबल करा देंगे, उसी के अंदर सूखा घास, साइलेज, ग्रीन और क्या कहते हैं फीड मिक्स करके गाय के सामने आप डाल सकते हैं, और गाय को ये नहीं कर पाएगी वो कि वो फीड ही खा ले, जो खाना होगा वो एक मकदार में होगा, एक सही तरीके से में होगा, और गाय हमेशा तंदुरुस्त रहेगी और गाय के अंदर कोई परेशानी नहीं होगी, और वो दूध अच्छा देगी और क्वालिटी में देगी। क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं दूध बेचने के लिए तो हमें पूछा जाता है कि इसकी मलाई लगती है, दूध अच्छे फैट में है, क्योंकि आपके पास अगर कोई कोऑपरेटिव वाला दूध लेगा तो वो फैट के हिसाब से लेगा, अगर आप सिर्फ फीड ही खिला लोगे, सिर्फ फराई खिलाओगे, सिर्फ साइलेज ही खिलाओगे तो उससे फैट नहीं बढ़ेगी, तो वो प्रॉब्लम रहती है, इसलिए टीएमआर खिलाया जाता है, ताकि गाय सिलेक्टिव ना हो, उसकी मर्जी ना हो, जो हम उसको खिलाए वही वो खाए, इसीलिए टीएमआर दिया जाता है। जी नितिन जी, सर जी बहुत बहुत अच्छा से आपने टीएमआर का महत्व जो है तो डेयरी फार्मिंग में या काऊ और बफेलो की जो मैनेजमेंट करनी है, ज्यादा से ज्यादा गाय हो या ज्यादा से ज्यादा भैंस हो, इसको टीएमआर खिलाते खिलाने के बाद बहुत अच्छा मिल्क भी पैदा हो जाएगा और गाय भी तंदुरुस्त रहेगी। तो सर जी मैं आपको एक और एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ कि गाय और भैंस का दूध बढ़ाने के लिए पंजाब के डेयरी फार्मर्स क्या करते हैं? जी जी, देखिए गाय का दूध कब बढ़ेगा और क्यों बढ़ेगा, पहले जंगलों में गाय होती थी या घर में गाय होती थी, गाय बछड़ा देती थी, 2-3 किलो दूध देती थी, 1 किलो हम अपने लिए रखते थे और 1 किलो बछड़ा पी जाता था, बात खत्म। लेकिन अभी ये रोजगार है हम, जिससे हमें 10 रुपए 100 रुपए हमें मिलने चाहिए, अब हमें क्या करना है, इसी गाय से हमें, जिससे हम 2 लीटर ले रहे थे इसी से 20 लीटर लेना है। तो आपको पहले कि गाय अच्छी नस्ल की हो, उसके लिए मान लीजिए आपने एक गाय घर में आपकी है जो आपसे 5 लीटर दूध दे रही है, अब आप चाहते हैं इसको एक अच्छी नस्ल का टीका लगे, तो आपको धीनो ऐप से ये लिंक मिल जाएगा, तो आप यहां से आप खरीद सकते हैं,
एक अच्छी नस्ल की आपके पास बछड़ी आ गई। अब आप उस गाय को जो 5 लीटर दे रही है उसमें अंदर आपने एक अच्छा टीका धर दिया और आपकी जो गाय प्रेग्नेंट हो गई और जो बछड़ी आ गई वो अच्छे दूध देने वाली आ गई। अब आप क्या करेंगे, इस बछड़ी को पालेंगे और इसके पालने के अलग अलग तरीके हैं। 3 महीने तक कैसे पालना है, 3 से 8 महीने तक कैसे पालना है और 8 से जब तक ये प्रेग्नेंट ना हो जाए तब कैसे पालना है। अब दूध कैसे बढ़ेगा, एक तरीका होता है कि आप टीका गाय का इतना अच्छा लगाइए जो कि आपकी आने वाली नस्ल होगी वो बेहतरीन दूध दे। दूसरा, आप ऐसे पालिए कि गाय को कोई बीमारी ना लगे, गाय की फीड उसको खुराक अच्छी मिले। जब गाय को खुराक अच्छी मिले, कब कब मिले वो मैं आपको बताता हूं। एक तो हो गया कि जब आप उसको ट्रांजिशन पीरियड में ले जाएंगे, यानी बच्चा देने से 28 दिन पहले आप उसको अच्छा खिलाएंगे, अच्छा पिलाएंगे। उसके बाद जब वो बच्चा देगी आप उसका ख्याल रखेंगे। उसके बाद 28 दिन बाद, बच्चा देने के 28 दिन बाद आप उसको अच्छा अच्छा फीड खिलाएंगे जिसे हम ट्रांजिशन फीड खिलाएंगे। अब किसी के पास अपना होता है, मान लीजिए कनक होती है, चावल होता है, सरो होती है, सोया होता है, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो इनको किस किस तरीके से कितना कितना डालना है एक गाय को खिलाने के लिए ये आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप फीड भी एक मार्केट से ला सकते हैं जिसे हम ट्रांजिशन फ्रेश या ट्रांजिशन फीड कह सकते हैं और वो खिला के आपकी गाय एक अच्छा दूध दे सकती है। और गाय को दूध के हिसाब से उसको और उसकी जो बनावट है उसके हिसाब से दिया जाता है। अब मैं आपको मोटा मोटा कहता हूं कि आपकी गाय पिछले साल मान लीजिए 10 किलो दे रही है और आप सोच रहे हैं इस साल वो 15 किलो देनी चाहिए, तो आपको उसको ट्रांजिशन पीरियड में पूरा ख्याल रखना पड़ेगा और जो बच्चा दे चुके हैं जिसे हम फ्रेश पीरियड कहते हैं उसमें भी उसका ख्याल रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी गाय, अब यही गाय 20 किलो दूध दे रही है तो आपको इसको कितना फीड खिलाना चाहिए। मान लीजिए आपने 10 दिन तक इसको, हमारे फार्मर्स जिनके पास 5 गाय 6 गाय होते हैं वो कहते हैं मैंने एक कटोरी में इनको फीड डाल दी, जो कि गलत बात है। इनको जितना दूध होता है उसके हिसाब से फीड दिया जाता है और इनकी जो बनावट है शरीर का थोड़ा सा उसके लिए भी दिया जाता है। तो इस चीजों को मैं दिनू आपके साथ शेयर करूंगा और आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप इन इमरान जी मैं अभी एक और एक आपको क्वेश्चन बीच में पूछना चाहता हूँ कि पंजाब के जो डेयरी फार्मर्स है गाय और भैंस का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं और ये रिकॉर्ड मेंटेन करने का उसको क्या फायदा होता है, क्या बता सकते हो? बिल्कुल, देखिए रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। जो मेरे छोटे किसान भाई है, फार्मर्स है, डेयरी फार्मर्स, ये क्या करते हैं, इनके पास 10 गाय होती है, ये कहते हैं चलो मेरे को तो पता ही है। सिर्फ आपके पता होने से कोई बात नहीं बनती है, आपके हर एक मतलब जो गाय के साथ हुआ है उसको कब टीका लगा हुआ है। जब आप कहेंगे मैं जब फील्ड में काम करता था मैं किसी के पास जाता था, मैं बोलता था उसको कि इसको कब प्रेगनेंसी का टीका लगा हुआ है, वो कहता था कि सावन के महीने में लगा है। अब सावन का महीना कितना बड़ा है, अब मैं क्या कह सकता हूं कि ये कब बच्चा देगी और कब इसको मैं तैयार करूं, कब मैं इसको कहूं ट्रांजिशन फीड। तो इस चीज का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए वो 1 अगस्त को लगी है तो 1 अगस्त का उसको डेट याद होना चाहिए, वो कॉपी पे लिखा होना चाहिए। हमारे पास जिनके पास 200-300 गाय है पंजाब में, उनके पास सारा ऑटोमेटिक होता है, गाय के गले में सेंसर लगा होता है, मुझे गाय कंप्यूटर के अंदर ही पता चल जाता है कि गाय तंदुरुस्त है, गाय बच्चा देने वाली तो नहीं है, गाय इधर उधर भाग तो नहीं रही है, गाय को टीके लगाने वाला हो चुका है, कौन सी गाय दूध कम दे रही है, कौन सी गाय ने अच्छा दूध दिया। तो ये एक फार्मर्स को सब कुछ पता होना चाहिए, चाहे उसके पास 5 गाय हो चाहे उसके पास 500 गाय हो, सारा कुछ उसको रिकॉर्ड में होना चाहिए। रिकॉर्ड से आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए आपकी गाय बहुत अच्छा दूध दे रही है और आप चाहते हैं कि ये मैं हमेशा रखूं, गलती से किसी ने उसको, आप किसी ने, जब आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो
तो आप समझेंगे कि पता नहीं कितना दूध दिया, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड है तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये गाय मेरी बहुत अच्छी है, इस पे मैं सेक्स सिंबल यूज करूं, ये गाय मुझे दूध अच्छा देती है, ये इस गाय की मैं बछड़िया लूं, ये भैंस मेरा अच्छा दूध देती है, इसका पैदावार मैं आगे बढ़ाऊं, ये गाय मेरी दूध अच्छा नहीं देती है, ये प्रेग्नेंट जल्दी नहीं होती है, ये प्रेग्नेंट होने में टाइम लगाती है, इसको मैं बेच दूं या किसी और बंदे को दे दूं जिसको डेयरी फार्म नया बनाना हो। तो ये सब चीजें रिकॉर्ड में ही रखनी होती है, और इसके लिए हमें पास कंप्यूटर में आता है, सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। जी नितिन जी, महाराष्ट्र के फार्मर्स को जो काऊ और बफेलो को रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो धेनु ऐप डाउनलोड करके उसमें एक पशु व्यवस्थापन का एक अलग सा एक विभाग दे दिया है, उस पर भी हम गाय और भैंस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और गाय और भैंस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकते हैं, मिल सकता हिट पर कब आ जाएगी ये प्रेग्नेंट, ये इसका लैक्टेशन में कितने बार इसको डीवर्मिंग करना चाहिए, तो ये कब डिलीवरी हो जाएगी, ये सब कुछ आपको इसका जानकारी मिल जाएगी। इमरान जी, मैं एक आपको पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के डेयरी फार्मर है, उसके डेयरी फार्म में बहुत बार ये दिखाई देता है कि गाय और भैंस टाइम टू टाइम हीट पर ना आना, प्रेग्नेंट नहीं रहना, हर साल एक बैच नहीं मिलना, ये इसका क्या कारण होता है? जी जी नितिन जी, मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूं और अपने भाई बंधुओं से, ये सारा कुछ खेल खाने पीने का है और रहन सहन का है। मान लीजिए कि मैं रोटी एक खा रहा हूं और काम बहुत ज्यादा कर रहा हूं तो मेरी सेहत कैसी बनेगी, और मेरे पास जगह नहीं है बैठने के लिए तो मेरे दिमाग में कितना असर बुरा होगा। आपको लगता है कि गाय के दिमाग में असर नहीं होता है, गाय के दिमाग में हमसे 100 गुना ज्यादा असर होता है। अगर मेरे भाई जानते हो कि अगर एक गाय कहीं पर जाके बैठती है वो हमेशा उसी जगह पे जाके बैठेगी, आप इस चीज को नोटिस कीजिए, इस चीज को ध्यान में रखिए, अगर गाय का पानी पीने की जगह साफ नहीं होगी तो वो वहां पर पानी नहीं पिएगी, अगर पानी ठंडा ज्यादा होगा तो वो पानी नहीं पिएगी, अगर पानी गर्म ज्यादा होगा तो वो पानी नहीं पिएगी, अगर खाना अच्छे से नहीं होगा, साइलेज, ग्रीन, तोड़ी, फीड ये अच्छे से मिक्स नहीं किया हो तो उसकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत जरूरी है कि आप धेनु ऐप से जो सॉफ्टवेयर है कि आपको पता चल जाए कि गाय मेरी कौन सी प्रेग्नेंट कब हो रही है। मान लीजिए मेरे पास आज एक गाय आई है और इसका रहन खाना पीना मैंने बहुत अच्छा रखा हुआ है और ये न्यूट्रिशन का खेल है। न्यूट्रिशन में मैंने आपसे कहा कि हम यही गलती करते हैं, हम उसको उसके दूध के हिसाब से, उसके बॉडी के शरीर के हिसाब से खाना नहीं देते हैं। जब ऐसे खाना नहीं देते हैं, जो फीड है, जो खुराक है वो नहीं देते हैं, गाय की तबीयत बिगड़ती है, बिगड़ने की वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, जब प्रेग्नेंट नहीं होती है तो हमें नुकसान हो जाता है। एक गाय आपका 12 से 14 महीने के अंदर फिर से बच्चा देने के लायक हो जानी चाहिए, यानी अगर एक गाय आज बच्चा दे चुकी है, 9 महीने 12 महीने के अंदर, 12 से 14 महीने के अंदर वो फिर से बच्चा दे जानी चाहिए, तभी एक डेयरी फार्मर सक्सेसफुल रहता है। अगर उसका 14 से 18 महीना चला गया, यानी 4 महीने उसको एक गाय को खिलाना पड़ेगा, जो कि नुकसानदेह होता है एक डेयरी फार्मिंग के लिए। इसके लिए आपको न्यूट्रिशन के ऊपर, साइलेज के ऊपर, फीड के ऊपर बहुत ध्यान रखना होता है। वो कैसा गोबर कर रही है इस पे भी आपको ध्यान। जी डॉक्टर साहब, मैं और एक आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के जो डेयरी फार्मर्स है, इसके महाराष्ट्र के जो डेयरी फार्मर्स है, डेयरी फार्म में कोई भी बंदा आ सकता है और देख के जा सकता है, एनिमल्स को हाथ लगा सकता है, ये सब कुछ चीजें कर सकता है, लेकिन जो पंजाब के जो फार्मर्स है, ये जो नया बंदा जो कोई डेयरी फार्म में आने वाला है उसको एंट्री नहीं देते,
क्योंकि बायो सिक्योरिटी को भी महत्व उसको पता है, तो महाराष्ट्र के फार्मर्स को बायो सिक्योरिटी का महत्व क्या बता सकते हो, बायो सिक्योरिटी या क्या बता सकते हो इसके बारे में? बहुत अच्छा आपने एक प्रश्न उठाया है जिसको अगर मेरे दिमाग से छूट भी गया, लेकिन आप नहीं इन चीजों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप अपने भाइयों के लिए महाराष्ट्र के जो फार्मर्स हैं इनके लिए जो इतना कर रहे हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज के लिए। मैंने आपको पहले भी काविंग एरिया पे बायोसिक्योरिटी के ऊपर बात कही थी, अभी इसी बायोसिक्योरिटी को मैं बात करता हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि गाय जब आप खरीद के लाते हैं तो आप उसको क्वारंटाइन में रखिए। क्वारंटाइन का मतलब ही होता है कि कोई और गाय उसके साथ न जाए। अगर आप पांच गाय खरीद के रखते हैं तो पांचों के पांचों एक ही जगह पे रहेंगे। अगर आप नई गाय खरीद के लाते हैं तो वो नई उसके साथ ऐड नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ गायों के साथ नहीं है, ये मान लीजिए मेरे फार्मर, मेरे पास एक गौशाला है, छोटी सा फार्म है जिसमें मेरे पास 50 गाय है, मैं किसी को भी शेड के अंदर जाने नहीं दूंगा। मेरे फार्म के अंदर अगर कोई भी गाड़ी, कोई भी इंसान, जानवर तो नहीं आते थे क्योंकि चारों तरफ से बंद होता था। जितने आपके एनिमल्स बाकी चीजों से दूर रहेंगे, जितने भी गाय भैंस बाकी चीजों से दूर रहेंगी, तो आपका जो है एनिमल स्वस्थ रहेंगे। तो ये दूर रखने का मतलब ही है बायो सिक्योरिटी। बायो मीन्स लाइफ और उनकी सिक्योरिटी, जिंदगी को, बाकी जिंदगी को आपके जानवरों से दूर रखना, यानी छोटे कीड़े, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब चीजें हमें पता नहीं चलती हैं। इसके लिए आप अपने डेयरी फार्म, अगर आपके पास कोई आ रहा है, कोई मित्र आ रहा है आपका फार्म देखने, कोई बच्चे आ रहे हैं फार्म देखने, या कोई जानवर घुस चुका है, तो वो उस तरीके से घुसना चाहिए ताकि उसकी जो बॉडी है या उसका जो पैर है, बूट है, तो उस पे एक तो शू कवर हम लगा देते हैं। जानवर पे नहीं लगा सकते कि इंसान पे तो लगा सकते हैं, शू कवर आते हैं वो लगा सकते हैं। साथ में हम गेट के ही पास बायोसिक्योरिटी का इंतजाम कर सकते हैं। बायोसिक्योरिटी मींस डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं, जो कि एक कहते हैं फुटबाथ और एक कहते हैं टायर बाथ। अगर आपकी कोई गाड़ी आती है, मान लीजिए आप अपना दूध कोऑपरेटिव को दे रहे हैं, तो गाड़ी रोज आपके पास आएगी, तो ज्यादा से ज्यादा आप रखिए कि वो गाड़ी आपकी गायों के कॉन्टेक्ट में ना आए, यानी वहां से ना जाए जहां से आपकी गाय जाती है। तो रास्ता हमेशा अलग होना चाहिए जहां पर आपकी मतलब गाय हो और जो आपका रास्ता हो, ये दोनों अलग अलग होनी चाहिए। और इस रास्ते के अंदर आपको टायर बाथ, यानी जो गाड़ी आए उसका वॉशिंग हो, और जो इंसान आए फुट बाथ उसका वॉशिंग हो, और हो सके जितने भी आपके पास लेबर काम करते हो उनके लिए एक अलग से ड्रेस और उनके लिए अलग से जूता, जो कि एक कमरे के अंदर वो एंटर होने से पहले चेंज कर ले और पहन ले। अगर आपके पास 24 घंटे ही रहता है तो आप फार्म के अंदर रोज ही फिनाइल, फॉर्मलिन, पोटेशियम परमैंगनेट, वायरसाइड, वीरोसाइड, ये सब केमिकल्स आते हैं जो इनके आप स्प्रे कर सकते हैं, ताकि आपके फार्म्स में इन्फेक्शन का खतरा कम से कम हो। ये ऊपर वाले से हम सिर्फ यही कर सकते हैं, हम बचाव कर सकते हैं, बचाने वाला ऊपर वाला है, लेकिन हमें बचाव जरूरी करना। और बायोसिक्योरिटी बहुत जरूरी है, आप किसी को भी अपने फार्म में मत आने दीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं विनती करता हूं, क्योंकि नुकसान आपका है उनका नहीं है। कोई नाराज होता है, नाराज होने दीजिए, किसी को गुस्सा आता है तो आने दीजिए, लेकिन बायोसिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अगर एक बार बायोसिक्योरिटी के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो वो गायों के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, जब गायों के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा वो दूध के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, जब दूध के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा तो वो काविंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, काविंग के साथ कॉम्प्रोमाइज किया तो ऑब्वियसली वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज किया करेगा। तो एटलीस्ट इफेक्ट आप पर ही आने वाला है, बर्डन आप पर ही बढ़ने वाला है। तो पहले ही आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, पहले ही आप किसी को कह दोगे कि रोक लो, नहीं आना है अंदर, बायोसिक्योरिटी है, तो वो नहीं आएगा, तो आपके पशु हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। जी नितिन जी,
जी जी इमरान जी, और लास्ट में एक और एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि पंजाब के बहुत बड़े डेयरी फार्म में गाय और भैंस का एक अनुत्पादित मेल भी रहता है, ये मेल किस लिए होता है, इस मेल का क्या फायदा होता है, क्या बता सकते हैं आप? मेल बुल, बुल। हाँ यस बुल रहता है जी। ठीक है, बहुत अच्छा। ये नितिन जी मुझे आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको डेयरी फार्म्स के बहुत अच्छे अच्छे मॉइनिंग काम है जो पता है। देखिए कभी क्या होता है, गाय का जब हम बच्चे जो बच्चेदानी है उसको चेक करते हैं, कभी वो किसी वजह से कोई परेशानी होती है उसके अंदर, तो वो प्रेग्नेंट नहीं होती है आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन से, जिसे हम AI कहते हैं, तब हमें नेचुरली उसको सर्विस करानी होती है बुल से। तो इसीलिए तो हमें एक बुल रखना होता है एक अच्छी क्वालिटी का, जो कि एक अच्छी नस्ल का हो, एक बढ़िया उसकी माँ हो, उसका जो बाप हो वो बढ़िया नस्ल का हो, ताकि हम उससे कर सके और उसी को हम यूज कर सके इंसिमेशन के। दूसरी बात, कभी कोई गाय या भैंस 4 टीके तक भी, यानी अगर हम आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन करें उससे प्रेग्नेंट ना हो, तब हमें, क्योंकि हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना होता है, हमें गाय को प्रेग्नेंट जल्दी से जल्दी करना होता है, इसीलिए हम फिर NS कराते हैं, जिसे नेचुरल सर्विस कहा जाता है, यानी हम नेचुरली बुल को लाते हैं गाय के सामने, भैंस के सामने, और वो उसको यूज कर लेता है और हमारी दिक्कत दूर हो जाती है। और ये एक इसका कारण है और कुछ नहीं, बस आपको उसमें यही रखना है, उस बुल को का ध्यान रखना है, उसका ब्लड टेस्ट करना है ताकि उसके अंदर कोई बीमारी ना हो। लेकिन बेहतर और सही तरीका होता है आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन से यही होता है ताकि एक बीमारी दूसरी गाय के अंदर ना जाए, लेकिन कभी कभार NS ही करना पड़ता है, लेकिन वो सब गायों के अंदर नहीं, वो किसी किसी गाय के अंदर करना होता है या भैंस के अंदर। सबसे बेहतरीन और अच्छा तरीका AI का ही होता है, यानी आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन। जी नितिन जी, इमरान जी, और महाराष्ट्र के जो डेयरी फार्मर्स है, इसमें एक बहुत बहुत बड़ा जो आजार आता है उसका नाम है स्तनदाह, मस्टाइटिस बोलते हैं हम। ये मस्टाइटिस रोकने के लिए हर एक फार्म में हर एक साल एक काउ को एक मस्टाइटिस होता ही होता है, लेकिन फार्मर्स को हमने एडवाइस भी दे दिया था कि मस्टाइटिस नहीं होने के लिए आप टीट डिपिंग का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये टीट डिपिंग का यूज करने से कितना फायदा होता है? पंजाब का फार्मर्स 200, 250, 500 और 800 गाय एक एक डेयरी फार्म में रहते हैं, 800 गाय को भी टीट डिपिंग करते हैं पंजाब के फार्मर्स, लेकिन हमारे पास महाराष्ट्र के फार्मर्स के पास 10, 12, 20, 25, 50 एनिमल्स रहते हैं, तो महाराष्ट्र का फार्मर्स ये टीट डिपिंग के लिए अवेयरनेस नहीं है, उसको अवेयर नहीं है ये टीट डिपिंग के लिए। तो टीट डिपिंग करने का कितना फायदा होता है और कितना फायदा हो जाएगा, क्या बता सकते हो आप? देखिए मेरे फार्मर्स, डियर फार्मर्स, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि गाय का आप किसी साफ जगह पे तो गाय को बैठने को नहीं बोल सकते हैं कि भाई गाय मेरी वहां पर साफ जगह है आप वहां जा। तो मैं गाय को ये समझा नहीं सकता, मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ जहां वो बैठे वो जगह साफ हो, सुथरी हो, गोबर और पानी का वहां पर कम निवास हो, यानी जितना वो गोबर और पानी कम रहेगा उतना ही गाय की जो बीमारी लगने का खतरा कम होता है। अब मैं आपको कहूंगा कि टीट डिप क्या होता है, इसमें दो चीजें होती है, एक होता है प्री डिप यानी मिल्किंग करने से पहले, और दूसरा होता है पोस्ट डिप यानी मिल्किंग करने के बाद। दोनों के अलग अलग फायदे हैं और अलग अलग इस्तेमाल है, और करते क्यों है ये मैं समझा देता हूँ। देखिए गाय का मिजाज मैंने आपको बता दिया, वो गोबर में भी बैठ सकती है, पानी के ऊपर भी बैठ सकती है, मिट्टी के ऊपर भी बैठ सकती है, ये गाय को अपनी मर्जी है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले ही आपको देखना है जिसे हम कहते हैं अडर स्कोर, कि अडर कितना गंदा है। अगर आपका गाय हमेशा गोबर या मिट्टी में रहती है तो उसका अडर हमेशा गंदा रहेगा, तो आपका क्या करना है, हफ्ते में 2-3 बार या रोज ही, अगर आपके पास कम गाय है तो उसका अडर पहले नमक वाले पानी से धो दे, हल्का सा नमक डाले गर्म पानी में से, ज्यादा गर्म ना हो, हल्का फुल्का गर्म हो, उससे आप उसका अडर साफ कर सकते हैं। दूसरा, आप प्री डिप यूज कर सकते हैं, प्री डिप बहुत अच्छी चीज है,
आपका जो टीट्स है जहां से दूध आता है इसकी इर्द गिर्द बैक्टीरिया मिट्टी कुछ भी हो सकता है जमा होता है। और जब आप ऐसे ही बिना प्री डिप लगाए मिल्किंग शुरू करते हैं और दूध आना शुरू हो जाता है तो उसके जो छेद है ये खुल जाता है। जब ये छेद खुल जाता है तो कीटाणु को रास्ता मिल जाता है दूध के अंदर जाने का। जब दूध से अंदर चले जाएंगे वो गाय के थन में चले जाते हैं और वहां पर उनको खाना पीना गर्मी सोना सब कुछ है तो वो बढ़िया से अपनी पॉपुलेशन वहां बढ़ाते हैं और आपके थन गाय के खराब कर देते हैं। इससे बचने के लिए आपको प्री डिप यूज करना होता है और मिल्किंग खत्म होने के बाद आपको पोस्ट डिप करना होता है। पोस्ट प्री डिप करता है प्री डिप इस बैक्टीरिया को खत्म कर देता है और पोस्ट डिप क्योंकि आपने मिल्किंग की हुई है जो छेद है ये खुल गया होता है और ये कम से कम आधा घंटे तक खुला रहता है। इस आधे घंटे तक अगर गाय गोबर में जाके बैठ गई मिट्टी में जाके बैठ गई तो गाय के अंदर इन्फेक्शन आता ही आता है और इस चीज से बचने के लिए हम पोस्ट डिप लगाते हैं ताकि वो सील बना दे और वो मिट्टी गोबर किसी और चीज को ना जाए और ना अंदर जाए। और इससे और एक चीज हम ऐड कर सकते हैं कि जब हम मिल्किंग कर रहे हैं या हमने मिल्किंग खत्म की उस गाय को उसी टाइम हम खाना दें ताकि वो गाय कम से कम आधा घंटा पौना घंटा खड़ी रहे और वो तब तक वो जो टीट है वो फिर से बंद हो जाए अगली मिल्किंग तक। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है और इसी चीजों से मेस्टाइटिस का खतरा बंद हो जाता है। अगर आप फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप एक किट आता है सोमेटिक सेल कहते हैं और सीएमटी किट कहते हैं और सीएमटी किट को लाके आप आराम से खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपका दूध 15 दिन में एक बार चेक करके देख सकते हैं कि आपका दूध सही है और आपकी गाय के थन सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप हल्का फुल्का एंटीबायोटिक उनको दे सकते हैं और आपकी गाय ठीक हो सकती है। अगर ज्यादा देर हो जाती है तब फिर रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे कहते हैं सीएमटी किट। उस किट को आप इस्तेमाल खुद ही कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं और जब भी आपको जरूरत लगे आप उसको चेक करके देख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है प्री डिप पोस्ट डिप एंड फीडिंग ऑफ द काउ एट दैट टाइम व्हेन इट्स मिल्किंग इज कंप्लीट। जी नितिन जी धन्यवाद। धन्यवाद सर धन्यवाद। क्वेश्चन तो फार्मर्स के बहुत बहुत क्वेश्चंस है तो मैं इसके लिए एक आपका भी सेशन रखूंगा कि एडवांसेस इन डेयरी फार्मिंग तो आप हमारे महाराष्ट्र के जो डेयरी फार्मर्स है तो एडवांस सिस्टम क्या रहती है इसके ऊपर आप हमको एक दूसरा सेशन भी दे सकते हैं। तो सर आप हमारे जो एक ड्राइव चल रहा है पशु संवर्धन व वैद्यकीय सलाह मार्गदर्शन इस कार्यक्रम में आप आ गए हमारे महाराष्ट्र के फार्मर्स को बहुत अच्छी सी एडवाइस दे दी है काऊ बफेलो हीफर मैनेजमेंट फीडिंग मैनेजमेंट बायो सिक्योरिटी हो ऐसे बहुत सारी आपने जानकारी हमारे फार्मर्स को दे दी है। ये सब लोग इसका अवलंब करेंगे और अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन ले लेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और महाराष्ट्रातील तमाम शेतकरी बांधवांना मी या ठिकाणी एक विनंती करू इच्छितो की आपणाला जर दुग्ध व्यवसाय संबंधित काही प्रश्न असतील तर प्ले स्टोर वरून आपण धेनू ऍप डाउनलोड करा आणि त्यामधील प्रश्न उत्तरे या विभागामध्ये आपण आपले प्रश्न विचारू शकता। धेनू ऍप आपणाला त्या प्रश्नांची त्वरित उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करेल। धेनू ऍप आयोजित मोफत वेबिनारसाठी आज डॉक्टर इम्रान सर यांनी वेळात वेळ काढून पंजाबच्या पशुपालकांचे डेअरी मॅनेजमेंट काय असतं डेअरी व्यवस्थापनातील चुका असतील डेअरी व्यवस्थापनामध्ये आलेले बदल असतील डेअरी व्यवस्थापनातील व्यवस्थापन कसं करायला हवं या संबंधित अगदी सोप्या आणि सुटसुटीत भाषेत माहिती दिली त्याबद्दल डॉक्टर इम्रान सरांचे व कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असलेल्या माझ्या सर्व शेतकरी बांधवांचे मी या ठिकाणी आभार मानतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो। आजचा कार्यक्रम इथे संपला असं मी जाहीर करतो। धन्यवाद सर धन्यवाद शेतकरी बांधवांनो। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका नवीन विषयासह। धन्यवाद धन्यवाद। दुग्ध व्यवसायातील डिजिटल तंत्रज्ञान जाणून घेण्यासाठी आजच आपल्या मोबाईलवर धेनू ॲप डाउनलोड करा। धेनू इंडिया या आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। www.thenu.com Thanks for watching.